बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट रियल स्टेट। रियल स्टेट इज़ बेसिकली अ रजिस्टर। इट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड इट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। नाउ व्हाट इज रियल स्टेट? इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टेंस। फिगर में आप देख सकते हैं कि रियल स्टेट्स के दो तीन टर्मिनल्स हैं, डेट इज़ टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। ए और बी ये दोनों फिक्स टर्मिनल्स हैं, ये चेंज नहीं होते, जबकि टर्मिनल सी है वो एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है या एक मूवेबल टर्मिनल है जिसको हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं। जब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी से ए की तरफ शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि ए से बी तक मूव करने पे रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वायर की टोटल लेंथ, ए उसका इनिशियल एंड है वायर का, बी उसका फाइनल एंड है, मींस ए से बी तक जो है उसकी टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब हम सी मूविंग टर्मिनल है, जब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरह मूव करेंगे तो वायर की लेंथ जो उसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम उसको बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो वायर की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगी। ओके, इस केस में जो वायर है उसको वाउंड किया जाता है एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे। ठीक है, वो इंसुलेटिंग सिलेंडर प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है। ठीक है, ओके, दिस द सिंबल फॉर रियोस्टेट। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए बियर मैग्नन वायर वाउंड ऑन ए इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये एक मैग्नन वायर से बनी थी, डैट इज़ बेसिकली एलॉय, डैट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर, आयरन, मैंगनीज, निकल। ठीक है, इनसे जो मैंगनन वायर बनती है उसको बाउंड किया जाता है एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे, जो कि जैसे हमने बताया कि वो प्लास्टिक एक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, या वुड का हो सकता है। ठीक है, और द टू एंड्स डैट इज़ द टर्मिनल्स ए एंड बी, डैट आर द फिक्स टर्मिनल। ठीक है, एंड द थर्ड टर्मिनल सी टर्मिनल इज़ अटैच टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच कैन बी मूव्ड ऑन द वायर। ओके, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर, इट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। नाउ रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, ओके, ए एंड बी आर द फिक्स्ड टर्मिनल बाय सी इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी द रजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजेस। एज वी मूव स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम सी टू ए द रजिस्टेंस ऑफ द वायर डिक्रीजेस। सो रियोस्टेट इन डैट केस इज़ यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर। ओके, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ए एंड बी आर द फिक्स्ड टर्मिनल। नाउ द रियोस्टेट इज अटैच विद अ बैटरी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इज V, capital V, and the resistance between A and B is capital R. So the current flowing through the wire will be I is equal to V over R. That is the current between A and B terminals. Okay. When the sliding contact is at a point C, then the potential difference between point B and C is VBC. The resistance between point BC is small r. Okay. When you move the potential, now you can write the potential difference between point B and C as VB is equal to I into small r. R is the resistance between point B and C. Putting this value from the above equation, V over R into small r, VB is equal to small r over capital R into V. A small r is basically resistance between B and C. If you move the sliding contact from B to A, then the resistance, then the value of the small r will be increases. अगर हम sliding contact को B से A की तरफ move करेंगे, यानी कि C को जो अगर हम
बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, उस केस में मींस वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा, वी बी सी की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। अगर हम उसको ए से बी की तरफ लेके आएंगे तो जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ रेजिस्टेंस के चेंज करने से स्मॉल आर की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वी बी सी है उसकी वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी। यानी कि वी बी सी की वैल्यू को अगर वी बी सी की वैल्यू को अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी से ए की तरफ ले जाएंगे तो वी बी सी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ ले आएंगे तो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से वी बी सी की है उसकी वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द रियल स्टेट इज़ यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। This from this topic, thank you.